नमस्कार सभी को, मैं राजप्रिया कौर आप सबका स्वागत करती हूँ न्यूज मूवमेंट हिंदी में। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सरकार और किसान नेताओं के बीच करनाल में हुई वार्ता में कोई सफलता नहीं मिलने से 11 दिन पहले पुलिस की कार्रवाई। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने कहा कि वे शहर में मिनी सचिवालय की घेराबंदी जारी रखेंगे। शासन राज्य की राजधानी चंडीगढ़ के निर्देशों पर काम कर रहा है। हम लंबी दौड़ के लिए तैयार हैं, भारतीय किसान संघ BKU के नेता राकेश टिकैत ने कहा। BKU हरियाणा के प्रमुख गुरनाम सिंह चांदूनी ने भी कहा कि वे घेराबंदी जारी रखेंगे। SKM के अनुसार 3 घंटे तक चली वार्ता के टूटने का मुख्य मुद्दा पूर्व SDM आयुष सिन्हा के खिलाफ कार्रवाई की मांग थी। पिछले 9 महीनों में कृषि कानून बुधवार की वार्ता के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए स्वराज इंडिया के संस्थापक योगेंद्र यादव ने कहा कि उन्होंने अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, प्रशंसा नहीं की, वह प्रशासन ने उन्हें मुआवजे पर ध्यान के केंद्रित करने के लिए कहा। यादव ने कहा कि हमने उनसे कहा कि हमारे सम्मान का सवाल है और हम अपने दम पर पर्याप्त मुआवजा ले सकते हैं। इस बीच हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने संवाददाताओं से कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को विरोध करने और आवाज़ उठाने का अधिकार है। उन्होंने कहा उनकी यानी कि किसान जो भी मांगे हैं हमारे अधिकारी उनसे बात कर रहे हैं, बातचीत जारी है, उन्होंने कहा। एंजल विद्या मंदिर श्योर वे टू सक्सेस, वी प्रोवाइड क्लासेस, वी ऑल्सो प्रोवाइड ऑल टाइप ऑफ कॉम्पिटेटिव क्लास लाइक SSC, रेल, WBCS एंड स्टेट लेवल एग्जाम। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर 9932864067 और अनदर नंबर इज 8116183079। You can also add as friend on Facebook Angel Vidya Mandir। भैया बहुत ज़्यादा ना दिखाएं, आदमी होना सभी को सीखना चाहिए और जीवन भर इसे लागू करने का प्रयास करना चाहिए। सर नहीं, वह नहीं कर सकता, मैं पूर्ण हूँ, मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी घटना तब हुई जब बरनपुर इस्पात कर्मचारी संघ के महामंत्री विजय कुमार नामक व्यक्ति ने 9 सितंबर को सुबह 10 बजे के DM कार्यालय के संघ के कार्यक्रम के संबंध में एक सूची भेजी, जिसमें उन्होंने कार्यकर्ता बंधु के रूप में संबोधित किया। संपादक श्री मेघदूत प्रसाद ने 9 सितंबर को सुबह 9:22 इसे देखा, फिर उन्होंने टिप्पणी की, कार्यकर्ता नहीं हूँ। सर जब आप मीडिया कार्यकर्मी को सूचित करते हैं तो इस शब्द का प्रयोग ना करें। विजय कुमार दोहराते हैं, आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, आपको आने की आवश्यकता नहीं है। मेघदूत ने उन्हें सुबह 9:48 फ़ोन किया और 1:46 तक उनसे बात की। क्या आप जानते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया? मुझे आपसे सीखने की ज़रूरत नहीं है और आप कौन होते हैं मुझे ये बताने वाले? ये है श्री महामंत्री जी का रवैया। हालांकि वरिष्ठ नेता रविशंकर सिंह ने इसके लिए खेद व्यक्त करते हुए कहा, श्री स्वामी विवेकानंद जो कहते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं, उसकी मृत्यु हो चुकी है, जाते उपयोग समय आप भी देख सकते हैं बरनपुर की हिंदी में स्पेलिंग गलत है, लेकिन वह इन सब चीजों से ऊपर है, बेशक उसे सीखने की जरूरत नहीं है। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7 to 12 स्टूडेंट गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर सीजन 2021-22 मोशन दुर्गापुर सेंटर। यू कैन कॉन्टैक्ट द नंबर 9434832278।
सोल CITU द्वारा संयुक्त श्रमायुक्त कार्यालय के श्रम विक्षोभ प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ज्वाइंट लेबर कमिश्नर को एक ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर आसनसोल के पूर्व सांसद वंश गोपाल चौधरी, पार्थ मुखर्जी, विनय कृष्ण चक्रवर्ती, जतन मजूमदार, मनोज दत्ता, तापस कवि सहित बड़ी संख्या में CITU के नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस दौरान अपना वक्तव्य रखते हुए वंश गोपाल चौधरी ने कहा कि संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के जीवन और जीविका की सुरक्षा प्रदान करनी होगी सभी को। उन्होंने कहा कि चूंकि बहुत से श्रमिक अभी भी ऑनलाइन सब काम नहीं कर सकते, तो उनको ऑफलाइन भी सामाजिक सुरक्षा कार्ड देना होगा। इसके वंश गोपाल चौधरी ने कहा कि बालू की कीमतों में आई उछाल के कारण निर्माण उद्योग से जुड़े श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। उन्होंने तुरंत इस समस्या के समाधान की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि रेलवे में हाकरों को घुसने नहीं दिया जाता है। इस बाबत भी उन्होंने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की, जिससे यह हाकर सम्मान के साथ रोजगार कर सकें। तो यार ये हजार टाका टा पावर जन्नो तारा ब्लॉके भीड़ करे दिलो ओकी तो जरा निर्माण समीप जरा पोती तीन एकाने ओकाने काज करे भाई जादेर कोनो स्थिरता नहीं से समीप देर कोनो जायगा होलो ना एगारो सालेर पर तादेर दरखास्त पड़े आछे হাজার হাজার দরখাস্ত এই অফিসে পড়ে আছে, কিন্তু তাদের রেজিস্ট্রেশনের কোনো জায়গা নেই। আমরা দাবি করেছি এই দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। কল্যাণ পরিষদ যা নির্মাণ শ্রমিকদের ছিল, সেই নির্মাণ শ্রমিকদের কল্যাণ পরিষদকে পুনর্জীবিত করতে হবে, তাদের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পকে কার্যকর করতে হবে। কি করবে পরিবহন শ্রমিকরা? পরিবহন শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প ছিল, বামফ্রন্ট সরকার ঘোষণা করেছিল। সেই পরিবহন শ্রমিকরাও মাসে টাকা জমা দিত আর সরকার একটা টাকা জমা দিত। সেই পরিবহন শ্রমিকরা তারা যখন তাদের চোখ নষ্ট হয়ে যেত ড্রাইভারি কাজ করতে করতে, বয়স বেড়ে যেত ড্রাইভার করার কাজ পরিবহনের কাজ করার, তার চোখের উপর অনেকটা নির্ভর করে। সরকারের এই কর্মসূচি ছিল, বামফ্রন্ট সরকার এটা চালু করেছিল, যেদের জন্য আমাদের ঘোষিত প্রকল্প আছে, তাদের ছেলে মেয়েদের পড়ানোর ব্যবস্থা করব আমরা। যারা উচ্চ মাধ্যমিক পড়বে, মাধ্যমিক পড়বে, তাদের অসুস্থ হলে তাদের চিকিৎসা, এই সমস্ত প্রকল্প ঘোষণা করেছিল বামফ্রন্ট সরকার। কিন্তু সেই প্রকল্প আজকে শেষ হয়ে গেছে, আজকে নেই। আমরা কি দেখলাম এগারো সালের পর? 14 কোটি টাকা, 14 কোটি টাকা, সেই টাকা, সেই প্রকল্পের টাকা সরকার নয় ছয় করে দিল, সেই প্রকল্পের টাকা থাকলো না। আমরা সেই জন্য আজকে দাঁড়িয়ে এটা বলছি, এই সামাজিক সুরক্ষা আমরা রাখতে পারবো কি পারবো না, এর জন্য লড়াই করা দরকার। আমাদের আজকে ডেপুটেশনের মধ্য দিয়ে এই কর্মসূচি শেষ হবে না। এই কর্মসূচি আজকে যা ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে, এই ডেপুটেশনের পর যদি সরকার কোনো কাজ না করে, তাহলে আগামী দিনে আমাদের এই সিদ্ধান্ত নিতে হবে, যারা দরখাস্ত করেছে, যারা সামাজিক সুরক্ষায় রেজিস্ট্রেশন হয়েছে অথচ কোনো শ্রমিক সুরক্ষা পাচ্ছে না, যাদের মারা যাচ্ছে, তাদের পেনশনের টাকা আসছে না, তাদের জমানোর টাকা। নিউজ মুভমেন্ট News Daily at 9 p.m. on every Friday with special features. Present news on YouTube in Hindi, Bengali, Urdu and English. News Movement Hindi, News Movement Bangla, News Movement Urdu, News Movement English. Contact for more details and advertisement 700196727986176597
9448-9563-83028-7430-997287 and other alternative number is 9641-07058. सोल से ट्विंकल बर्नवाल के अनुसार शिल्पांचल में ऑटो टोटो को रूट देने समेत विभिन्न मांग को लेकर आसनसोल साउथ ब्लॉक कांग्रेस की तरफ से बीएनआर मोड़ से शहर के सैकड़ों ऑटो टोटो को लेकर एसडीओ कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। इससे पहले बीएनआर मोड़ में जुलूस लेकर वह लोग एसडीओ कार्यालय तक आए। इसके उपरांत आसनसोल साउथ ब्लॉक कांग्रेस द्वारा शहर में ऑटो टोटो को परिचालन को लेकर एसडीएम अभिज्ञान पांजा को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर सोमदीप राय, मोहम्मद साकिर, मोहम्मद इमरान रिजवी, फिरोज खान, राजू दत्ता, कंचन दे, रूप ज्योति मित्र, संजय घोष, मोहम्मद आजाद सहित अन्य उपस्थित थे। পার্শ্ববর্তী জেলা এবং দেখুন স্যার বাঁকুড়া না, এগুলো তো ব্যাপার হচ্ছে স্যার যদি चूँकि खास करके टोटो इन लोग आसनसोल मैंने आरटीओ की तरफ से और पुलिस कमिश्नर की तरफ से बुलाया गया है कि टोटो बैनी है। अगर ये बैनी होता तो पुरुलिया में और बाकड़ा में बाबा मान्यता दिया गया, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी दिया गया और साथ ही साथ वहाँ पर नंबर प्लेट भी दिया गया। लेकिन अफसोस कि हमारे आसनसोल में जब टोटो चलता है तो इन पर पुलिस की ओर से लाठी चल रहा है और साथ ही साथ इन लोग के ऊपर जो है सब गरीब परिवार, खास करके सरकार तो कोई रोजगार का व्यवस्था कर नहीं रही है, लेकिन जब गरीब परिवार अपने हक के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पेट को आगे चलाने के लिए, दो वक्त रोटी का इंतजाम करने के लिए जब टोटो की खरीदारी हुई है और जब आसनसोल के जीटी रोड पर चलता है तो पुलिस की ओर से लाठी बरसाया जा रहा है और कहता है कि बेआईनी है। जबकि अगर ये बेआईनी है तो फिर पुरुलिया जो कि वो भी बंगाल में ही है, बौकड़ा भी बंगाल में ही है, तो फिर आसनसोल के टोटो भाइयों के साथ ये बेरुखी क्यों, ये सवाल है हमारा। इसके अलावा अगर आसनसोल में जाम लगता है तो बड़ा बड़ा मिनी बस चल रहा है, मिनी बस वाले जो है ना रास्ता में रोक कर करके अपने पैसेंजर को उठाते हैं और फिर उससे टोटो भाई को तो परेशानी, माने उन लोगों को परेशानी हो रहा है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से एसडीओ साहब ने भी ये किया कि व्यापारा के लिए हमारा भेजिए आगे भागा ये लोग ना हुए। हम लोग भी चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे गरीब परिवार, हमारे टोटो भाई यहाँ पर आए हैं उनको सही से मान्यता मिले, उनको नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन हो ताकि उनको परिवार को और एक स्टेन और रूट का व्यवस्था हो ताकि उनका भी परिवार, उनका भी घर परिवार चल सके। मैं आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन हूँ, माइटी डिपार्टमेंट से मोहम्मद शाकिर। बायोफिना ड्रिंक हेल्दी स्टे हेल्दी लीची फ्लेवर फॉर ट्रेड इंक्वायरी मेल care@rkmgroup.in. टोल फ्री नंबर 1800-258-7060। के अनुसार जमुई औद्योगिक क्षेत्र में बीते दिनों कारखाने में हुए हंगामे के बाद तथा कोरोना की तीसरी लहर की आहट को देखते हुए जमुड़िया थाना पुलिस की ओर से एसीपी सेंट्रल तथागत पाड़े के अध्यक्षता में जमुड़िया औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगपतियों के साथ बैठक की गई। प्रशासनिक बैठक थाना के मेमोरियल हॉल में की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए एसपी
सेंट्रल तथागत पाड़े ने कहा कि देश में कोविड की तीसरी लहर आने की संभावना उच्च स्तर से चिकित्साओं ने लगाई है। न्यूज मूवमेंट न्यूज डेली एट 9 PM ऑन एवरी फ्राइडे विथ स्पेशल फीचर्स प्रेजेंट न्यूज ऑन यूट्यूब इन हिंदी बंगाली उर्दू एंड इंग्लिश। न्यूज मूवमेंट हिंदी, न्यूज मूवमेंट बंगला, न्यूज मूवमेंट उर्दू, न्यूज मूवमेंट इंग्लिश। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टीजमेंट 700-196-7279-8617654-8-9563-83028-5/7430-997287 and other alternative number is 9641-07058। नितुरिया से एडिटर विकास प्रसाद के अनुसार नितुरिया प्रखंड के प्रबलिया कॉलोनी में फुटबॉल मैदान में गुरुवार को प्रबलिया सरस्वती क्लब के तत्वावधान में आयोजित 23वें गणेश पूजा के उद्घाटन जोड़ा शंकु विधायक हिंदी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विवेक गुप्ता ने फीता काट कर किया। मौके पर नितुरिया पंचायत समिति के उपाध्यक्ष एवं पूजा कमेटी के सचिव शांति भूषण प्रसाद यादव, महेंद्र साव, मनवेंद्र प्रसाद सहित अन्य लोग उपस्थित थे। नीतियों से आग्रह है, विशिष्ट कथाकार नेताजी के कोट के लेखक संजय जी साथ दे रहे हैं, हजारी बाहुरी महाशय साथ दे रहे हैं, मनोज यादव महाशय साथ दे रहे हैं, उमापद बाहुरी महाशय साथ दे रहे हैं, आर के त्रिपाठी महाशय साथ दे रहे, राकेश कुमार महाशय साथ दे रहे, सनत मुखर्जी महाशय साथ दे रहे हैं, अपराजित बनर्जी महाशय, समस्त अतिथिगण दीप प्रज्वलित कर रहे हैं और उनका जब जाने का समय हो तो अपने साथ इस करुणा को भी अपने साथ। मुझे बताया गया एक महान आत्मा से मिलने से मैं वंचित रह गया। शशिभूषण यादव जी जिन्होंने आज से 20 साल से भी ज्यादा पहले इस पूजा का, इस अनुष्ठान का आयोजन चालू किया था और आज देखिए कितनी बड़ी इस कोरोना काल में भी आप लोग इतनी भारी तादाद में आए, इसके लिए हम शांति भूषण जी यहाँ जितने लोग हैं सभी आपके बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्रिया। संध्या काल हो रही है, गोधूली बेला है, मैं आप लोगों को कुछ कुछ बातें खाली कहना चाहता हूं। हिंदी भाषा भाषी हो चाहे बांग्ला भाषी, मुसलमान हो चाहे हिंदू, ममता बनर्जी 11 करोड़ बंगालियों के लिए काम कर रही है। अभी यहां भी आपके यहां भी द्वारे सरकार कैंप लगा होगा, सब में जाइए, अपना अपना हिस्सा जरूर लीजिए क्योंकि ये सब स्कीम आप लोगों के लिए दीदी निकालती है। रेस्ट इज आफ्टर दिस ब्रेक, प्लीज शेयर सब्सक्राइब and forward YouTube channel News Movement. For more details and for advertisement, contact editor 9563-83-0285. इसे मनोज शर्मा के अनुसार अंतरराज्यीय धोखाधड़ी के आरोप में 4 गिरफ्तार। कुल्टी आदिनाथ ग्राम उद्योग एवं आदि खादी ग्राम उद्योग प्रखंड के कार्यकर्ता के अनुसार आसनसोल में विभिन्न केंद्र মানে আমরা আমাদেরকে যাদের 1,000-2,000 দিয়েছে তাদেরকে আমরা কখন লিখে নিচ্ছি আমরা নিয়ে যাচ্ছি।
ঘটনা হয়েছে আপনাদের সঙ্গে? কি কোম্পানির নাম? কি আপনারা বলছেন ফ্রড কোম্পানি? হ্যাঁ, ফ্রড কোম্পানি। আপনাদের কাছে কি কি নেওয়া হয়েছিল? টাকা কত টাকা নেওয়া হয়েছিল? কতজন মহিলা রয়েছে? এটা কোথায়, মানে কোম্পানিটা কোথায় ইয়ে হয়েছিল? আপনারা কাজ কোথায় করতেন? মানে কি কি কাজ করতেন? আপনারা কতদিন ধরে এই কাজটা করছেন? এখন আপনারা কি করে জানতে পারলেন এটা ফ্রড কোম্পানি? যে ম্যাডাম আপনাদের কাছে টাকা নিয়েছিল তার বাড়ি বা ঠিকানা কিছু? হ্যাঁ, তার বাড়ি বনমিডিয়া, সেখানে আমরা গেছিলাম, বাড়ি থেকে এসেছি, তার দুই মেয়ে এক ছেলে, তারা এখানে এসেছেন। মহিলার নাম কি? মহিলা জানি না খাতুন, উনি তো বাইরে বসে আছেন। এখন আপনারা মানে কি চাইছেন? আমরা চাইছি এতজন মহিলা আমাদের দেখে যে টাকাটা দিয়েছে সেই টাকাটা আমরা ফেরত চাই। তাদের এগেস্টে কোনো কমপ্লেন বা কিছু করছেন? আমরা করেছি, সব পুলিশ টুলিশ বলেছি, ওদেরকে ডেকেছি, সব পার্টি পার্টি লোকদের সব জড়িত, আমরা সবাই একসাথে। কি নাম আপনার? আমার নাম কাকলি দাস। কোথায় বাড়ি? Oh!
क्या हुआ आज क्या हुआ सर? आज जैसे रामनगर में हम लोगों की ट्रेनिंग, हम लोग का प्रोसीजर पहला जो चालू होता है वो बता दे रहे आपको 5 मिनट के अंदर। पहला हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो है पैकेजिंग का काम। फर्स्ट ऑफ ऑल 20 दिन की ट्रेनिंग होती है। 20 दिन की ट्रेनिंग में खत्म होने के बाद उसके 4th हफ्ते के बाद 5वें हफ्ते में एग्जाम होता है और 6th हफ्ते में आपका पेमेंट होता है। आज हम लोग का रामनगर का 4 सप्ताह पार हुआ, आज के दिन एग्जाम होगा। अगले सप्ताह में ये शुक्रवार के दिन उन लोगों को डेट मिलती है तो उनको पेमेंट कब होगा। अब आगे सवाल यहाँ से आपका चीनाकोड़ी आ गया। चीनाकोड़ी का ऑलरेडी प्रॉब्लम का इशू हमारे न्यामतपुर फाड़ी में मौजूद था, जबकि वहाँ सर से बात हो चुकी थी। सर को हम लोगों ने कह दिया, ब्रीफली कह दिया कि सर हमारे पास में रिसेंट में अगर अभी के अभी आप कहिएगा, हमारी प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज को हम लोग सेल आउट कर रहे हैं। सर हमारे एग्रीमेंट के दौरान में जो लोग खरीदने वाले हैं वो भी आपके लोकेलिटी में है, लोकल में मौजूद है। अगर आपको लगता है कि मैं पैसा लेके कहीं जाने वाला हूँ या भाग जाऊंगा, तो सर आपसे मेरी निवेदन है कि आप उनको ब्रीफली बुला के सीटिंग कर सकते हैं। सर आप ये देख सकते हैं कि एग्जैक्टली ये आज पैसा, आज को जो यहाँ पे इतना औरत लोग, कम से कम 90-95 औरत जो जिसका मतलब आरोप है कि आप लोग उनसे 1000 रुपए करके लिए रजिस्ट्रेशन का नाम में, ठीक है, और बोले हैं कि 2000 रुपए करके उन लोग को वापस करेंगे। जी सर। लेकिन आज देखा जा रहा है कि सब औरत लोग आके यहाँ पे आपको घेराव करके पैसा मांग कर रहा है, बोरा ई कंपनी फ्रॉड है, ये लेके आप क्या बोलिए? सर देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि आज महिला, जैसे हम पहले स्टार्टिंग करते थे, भाई हमारे यहाँ है चीनाकोड़ी में जो मुद्दा था वो इशू था वहाँ पेमेंट करने का। टू है कि आपका ये लैंड के मैटर के कारण में जो हम लोग को सेल आउट करना था पेपर, क्योंकि देखिए सर आप रिकॉर्ड है, सारी चीजें सामने आ रही है, हमको खुल के बोलना है। क्योंकि आज अगर ये चीजें जो मैं बोल रहा हूँ ये अगर आप किसी से पूछेंगे भी अभी जाके, तो एक एक चीज बिल्कुल क्लियर रहेगी कि लड़का झूठ नहीं बोल रहा। क्योंकि मुझे बहनों को पैसा वापस करना है और कर देना है, मैं किसी का पैसा लेके जाने वाला मैं से नहीं हूँ। परंतु मेरे साथ असंभव स्थिति क्या आ गई कि लॉकडाउन में फिनेंशियल क्राइसिस होने की वजह से मैं दीदी लोगों को सही समय में पैसा नहीं दे पाया। दीदी लोग का, भाई लोग का, सबका भरोसा मेरे ऊपर टूट गया। आखिर लास्ट में एक ही चीज करने का मौका मिला कि अपनी जो खानदानी प्रॉपर्टी है उसको सेल आउट करने का मौका मिला। फिर हमारे न्यामतपुर में कुछ लोग हैं जो काफी करीबी हैं, उन लोगों ने ये दायित्व उठाया। तब तक रिसेंट में चीनाकोड़ी में चीनाकोड़ी का जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम आ गया आपका न्यामतपुर फाड़ी में। फाड़ी के पास ये सूचित किया गया था कि आप लोग ये पैसा कैसे दे रहे हैं, और ये आज रामनगर का जो सिचुएशन था वो आज ट्रेनिंग खत्म हुई थी और उम्मीद करता था ये सप्ताह 10 दिन के अंदर में सब रेस्ट इज आफ्टर दिस ब्रेक। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज मोमेंट। For more details and for advertisement, contact editor 9563830285। छात्रों को सौंपी गई साबुज साथी परियोजना की साइकिलें। सलानपुर आचरा यशवेश्वर संस्थान परिसर में प्रखंड के 9 विद्यालयों के कुल 609वीं कक्षा के छात्रों को साबुज साथी परियोजना की साइकिलें सौंपी गई। उसी दिन जिला परिषद के सक्षम सदस्य मोहम्मद अरमान, जिला परिषद के सदस्य कैलाशपति मंडल, सलानपुर पंचायत समिति के अध्यक्ष फाल्गुनी कर्मकार, घासी अध्यक्ष विद्युत मिश्रा और भोला सिंह समाज सेवी ने छात्राओं को साइकिल सौंपी। बलराम बॉयज हाई स्कूल थे के प्राय 600 साइकिल टोटल सलानपुर ब्लॉके एवं महिला समिति पंचमपल्ली कल्याणेश्वरी हाई स्कूल एथड़ा जोगुल स्कूलगुल सब स्कूले बाच्चागुल क्लास 9 जरा पढ़े सबाई के साइकिल देवा हल। यहाँ दीदी एक बिराट बड़ो প্রজেক্ট ছিল যেটা অল ওভার ইন্ডিয়াতে অল ওভার ওয়ার্ল্ডের মধ্যে একটা সুনাম পেয়েছে।
তো এটা কন্টিনিউ চলছে, এনও যে একবার দেওয়া হলো তারপরে আর দেওয়া হচ্ছে না, এটা কন্টিনিউ। সেই হিসাবে আজকে আমাদের আচারা বয়েজ স্কুলেও এই সাইকেলগুলো দেওয়া হবে এবং দেওয়া হলো এবং আগামী কত কত ছাত্রকে দেওয়া হয়েছে, প্রায় 600 বাচ্চাগুলোকে সাইকেল দেওয়া হবে। Rest is after this break. Please share, subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563830285. जमुड़िया से दिलीप साव के अनुसार जमुड़िया में एक निजी फैक्ट्री की सुरक्षा गार्डों पर दो स्थानीय युवकों को उठा कर ले जाने, उनकी बुरी तरह से पिटाई करने का आरोप लगाया है, जिससे एक बार फिर औद्योगिक क्षेत्र में तनाव फैल गया है। कल ही पुलिस ने यहां बैठक की थी, जिससे फैक्ट्री के गेट के सामने व्यापक तनाव पैदा हो गया। स्थिति को संभालने के लिए जमुड़िया थाना के पुलिस को मौके पर तैनात कर दिया गया। रेस्ट इज आफ्टर दिस ब्रेक। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285। बनी प्रखंड के दमानी माकपा पार्टी ने कुछ दिन पहले त्रिपुरा में एक सड़क रैली और रैली की थी। माकपा नेता मनिका सरकार पर हमले के बाद माकपा मुख्यालय को आग के हवाले कर दिया गया, जिसके लिए उन्होंने भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उपस्थित थे श्रीधर राउत, तपन दास, दीपक शर्मा, जॉय तारा बौरी, सायमल मंजी। गरीब खेटे का मानुष लड़ाई गुली के एकसाथे पूंजीभूत करे हमरा जे एखाने राज प्रतिष्ठा करेछिलाम, मानुष चिंता भावना करलो जे जतटा पेयेछि एर चाइते आरो किछु जदि भालो पेते चाय, आरो बेशि बेशि जदि सुविधा पेते चाय, আর দক্ষিণপন্থী দলগুলো এই জায়গাটাতে সবচেয়ে বেশি সাফল্য লাভ করছে। লড়বে রাজ্যে রাজ্যে বামপন্থীদের উপর নির্বিচারে মামলা হামলা হচ্ছে কেন? বিজেপি জবাব দাও। বিভিন্ন রাজ্যে বামপন্থীদের উপর হামলা মামলা চলছে কেন? বিজেপি তৃণমূল জবাব দাও। জবাব দাও। এই রাজ্যে এবং ত্রিপুরাতে এবং সারা ভারতবর্ষে বামপন্থীদের উপর বেছে বেছে মামলা করা হচ্ছে কেন? বিজেপি জবাব দাও। জবাব দাও। জবাব দাও। ত্রিপুরায় নির্বিচারে হামলা হলো কেন? বিজেপি জবাব দাও। জবাব দাও। জবাব। Rest is after this break. News Moment present YouTube channel for news in Bangla, Urdu, English and Hindi. अंडाल आसनसोल रेल मंडल के फूड सेफ्टी ऑफिसर एके प्रिया ने आज अंडाल रेलवे स्टेशन में दो मॉडल स्टॉल का निरीक्षण किया। उसके साथ साथ अंडाल रेलवे स्टेशन के जितने भी फूड विक्रेता हैं, सभी को कंप्यूटर के पावर पॉइंट के माध्यम से उन लोगों को प्रशिक्षण दिया। श्री परिया ने बताया कि कोविड-19 जब से चालू हुआ है और जातियों का स्टेशनों में यातायात शुरू हुआ है, जितने भी स्टॉल हैं फॉर्म में किस प्रकार कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए कैसे काम करना है, कोई भी यात्री बिना मास्क के स्टॉल पे ना आए और ऑनलाइन पेमेंट ले, और जिस कारण स्टॉल चलाने वाले लोग को सतर्क किया जाए और कोविड-19 स्टॉल संचालन करने वाले व्यक्ति को कहा गया कि आप मास्क, सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स और ये सभी पहनकर ही अपनी सर्विस दें। रेस्ट इज आफ्टर दिस ब्रेक। न्यूज मूवमेंट प्रेजेंट यूट्यूब चैनल फॉर न्यूज इन बांग्ला, उर्दू, English and Hindi. पूरा में कल एक माकपा पार्टी कार्यालय और पार्टी कार्यकर्ताओं ने घरों और कारों में भाजपा की लापरवाही के खिलाफ बरिमादान
से एक जुलूस ने विरोध प्रदर्शन किया बरनपुर क्षेत्र समिति बरनपुर। দপ্তর জানিয়ে দেওয়া হলো কেন বিজেপি সরকার জবাব দাও। ধর্মের ধর্মের নামে মানুষকে বিভক্ত করে কর্পোরেটের স্বার্থে দেশ চালানোর বিরুদ্ধে সমস্ত মানুষ একখ। রেস্ট ইজ আফটার দিস ব্রেক। প্লিজ শেয়ার, সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড ফরওয়ার্ড ইউটিউব চ্যানেল নিউজ মুভমেন্ট। ফর মোর ডিটেলস অ্যান্ড ফর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট কন্ট্যাক্ট এডিটর 9563830285। चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज के साथ आसनसोल मंडल की बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट की बैठक आसनसोल 9 सितंबर 2021 आसनसोल मंडल के जमुड़िया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंडस्ट्रीज के साथ पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल की बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट ने एक परस्पर संपादक बैठक की। आइए सुनते हैं न्यूज़ मूवमेंट के संदेश को। बी प्राउड ऑफ हु यू आर, अपने आप में होने पर फक्र कीजिए। एंड नॉट असेम्ड ऑफ हाउ समवन एल्स सी यू, और इस पे शर्म नहीं कीजिए कि दूसरे आपको किस नज़रिए से देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इफ यू लाइक इट देन प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू पुश द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन।